I will teach you subject EVS of 5th class, our chapter number 3. Students, हम कल chapter number 3 का revision कर रहे थे, so हमने आज कल हमने यहाँ तक complete कर लिया था. आज हम national games, national team से start करेंगे. आपका पेज नंबर है बच्चों 16. ओके, नेशनल गेम, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, विंबलडन एटसेट्रा आर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स. जितने भी आपको बताए गए सारे बच्चों नेशनल टीम वाले जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, जैसे कि आप सभी अभी देख रहे हैं ओलंपिक गेम्स जो चल रहे हैं. ओके, द टीम और द प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन दीज इवेंट्स इन नॉन वर्ल्ड वाइज एज द नेशनल टीम. इसमें जो है स्टूडेंट्स जो ये पार्टिसिपेटिंग जो करते हैं प्लेयर, वो इन दीज इस इवेंट्स में किसके नाम से जाने जाते हैं, वर्ल्ड वाइड के रूप में, नेशनल टीम के रूप में जाने जाते हैं. अ प्लेयर हु प्लेज फॉर नेशनल टीम इज कॉल्ड अ नेशनल प्लेयर. वो प्लेयर जो कि नेशनल टीम में प्ले करता है वो नेशनल प्लेयर कहलाता है. ओके, अ नेशनल टीम यूजुअली हैज प्लेयर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रिलीजियस एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट देयर सोल मोटिव इज टू प्ले एज वन फॉर द कंट्री. देखिए क्या कहा गया है, जो नेशनल टीम यूजुअली हैज प्लेयर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रिलीजियस. जो नेशनल टीम में जो प्लेयर्स होते हैं बच्चों, अलग अलग कम्युनिटीज के होते हैं, अलग अलग रिलीजियस के होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस उनकी होती है, लेकिन जो उनका सभी का जो मोटिव होता है वो क्या कहते हैं, अपनी कंट्री को, कंट्री के लिए होता है. ठीक है, सभी अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं. द विक्ट्री ऑफ अ नेशनल टीम ब्रिंग्स लॉरल्स टू द एंटायर नेशन. हेयर आर सम प्लेयर्स हु हैव एक्सलेंट इन डिफरेंट गेम्स स्पोर्ट्स एंड मेड अस प्राउड. देखिए यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स के नाम देखिए, जैसे क्रिकेट, क्रिकेट में किस प्लेयर्स ने हमारे प्राउड फील करवाया है, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली. हॉकी में ध्यानचंद, उधम सिंह, धनराज पिल्ले. बैडमिंटन में साइना नेहवाल, जावला गुत्ता, चेतन आनंद. एथलेटिक्स में PT उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज. टेनिस में लैंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा. बॉक्सिंग में विजेंद्र सिंह, मैरी कॉम, अखिल कुमार. ओके स्टूडेंट्स, अब है बच्चों आपका टीम स्पिरिट. अ टीम गेम कैन नॉट विन अनलेस ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम आर कोऑर्डिनेटेड एंड शेयर बॉन्डिंग. देखो बच्चों क्या कहा गया, जो टीम है, टीम हम टीम के बिना नहीं जीत सकते हैं. ओके, हम टीम की क्या कहते हैं, विन अनलेस ऑल प्लेयर्स ऑफ द टीम कोऑर्डिनेट. यदि सब टीम में अगर आप खेल रहे हैं, यदि सभी टीम का, सभी प्लेयर्स का कोऑर्डिनेट नहीं रहा तो आप नहीं जीत सकते हो, या सभी प्लेयर्स की अच्छी बॉन्डिंग नहीं रही तो हम नहीं जीत सकते. क्यों? क्योंकि उसमें सभी का शेयर चाहिए होता, सभी का क्या कहते हैं इक्वल हमें पार्टिसिपेट जो भी होता है वो चाहिए होता है. यदि एक नहीं करेगा तो इंडिविजुअल टैलेंट इज ऑफ नो यूज इफ द एंटायर टीम डज नॉट परफॉर्म वेल. देखो सारे जैसे टीम में 11 परफॉर्म कर रहे हैं, 11 में सिर्फ एक मेहनत कर रहा है, एक बहुत अच्छा खेल रहा है, और जो 10 है वो सही नहीं खेल रहे हैं, तो जो वो वन पर्सन है पूरी फैमिली को, एंटायर टीम को नहीं जिता सकता है. ओके स्टूडेंट्स, द डिसीजन मस्ट बी टेकन अमिकवली बाय द मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स ऑफ द टीम. द इंटरेस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टीम मस्ट बी वेल अंडरस्टूड बाय ऑल द प्लेयर्स एंड दे मस्ट एम्ड एट विनिंग फॉर द टीम एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल सेल्फ. अ स्ट्रेटजी मस्ट बी ड्रॉन फॉर द गेम अंडर द लीडरशिप ऑफ द कैप्टन. द विलिंगनेस द थ्राइव ऑल टूगेदर विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव इज कॉल्ड टीम स्पिरिट. इसमें देखो क्या होता है, जो बच्चा को सारी पूरी जो टीम है वो एक साथ विदाउट किसी भी सेल्फिश, किसी भी स्वयं उसके फायदे की या किसी सेल्फिश मोटिव की कि हमें हाँ अपने लिए जीतना है, हम नहीं खेलेंगे तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है. टीम स्पिरिट में बच्चों क्या होता है, इसमें सभी को एक साथ खेलना होता है. ओके, और ये क्या कहलाता है बच्चों, टीम स्पिरिट कहलाता है. ओके, फिर इट हेल्प्स टू डेवलप अ स्ट्रांग बॉन्ड अमंगस्ट ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम एंड लॉयलिटी टूवर्ड्स द टीम. अ टीम विद हाई टीम स्पिरिट बट लेस टैलेंट इज बेटर देन अ टीम विद हाईली टैलेंटेड प्लेयर्स बट विद सेल्फिश मोटो विदाउट एनी टीम स्पिरिट.